नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साय ने पीडब्ल्यूएमयू का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही सीएम ने स्वच्छता दीदियों से भी मुलाकात की। भाई ऊपर से लो, नीचे मत आओ प्लीज। ऊपर कर ले आगे कम में खरीदी ज्यादा मिल जाता है तो क्या भाव क्या भाव खरीदते हैं? सर जिले में इस ब्लॉक का सर 106 एकड़ सेंटर में जहाँ पे हमारी स्वच्छता दीदी जो है वो घर घर से प्लास्टिक फंसा करके लाती है। हमारे 106 सेंटर सर जितना प्लास्टिक वेस्ट है उसे कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन हो जाता है। क्वालिटी के हिसाब से प्लास्टिक की कलर के हिसाब से उनकी HDPE टैग ऐसा अलग अलग अब फिर उसके बाद सर हमारे पास जब मशीन है उसमें प्रोसेस कर रहे हैं प्लास्टिक से और आगे सब वो करते हैं बोरी बनाते हैं उसी से वो गट्टे बनाते हैं देन आगे से सुखली रस्सी इससे बनता है। हाँ जी सर, इससे धूल मिट्टी इसमें है तो धूल को अलग कर देगा और प्लास्टिक को साफ करने के लिए खरीद कर लाते हैं। इसको इसमें डालेंगे सर तो इसमें धूल सकता है उसका अलग हो जाएगा कटिंग करता है और लास्ट में वो मेन जो बना डलना वो बैठा हम खुश है सर।
परिवारों को विष्णु देव की सौगात, अब भूख की चिंता हो गई पुरानी बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवार के कई लोग कभी भूखे पेट रहने को बेबस थे। दाने दाने को मोहताज ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अगले 5 साल तक भरपेट भोजन का इंतजाम कर दिया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। विधानसभा चुनाव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन योजना की गारंटी दी थी। इस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण का दूरदर्शी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जी ने मुफ्त राशन के लिए साल 2024-25 के बजट में 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना से छत्तीसगढ़ के 67,92,153 राशन कार्ड धारी गरीब परिवारों की चिंता दूर हो गई है। इसमें अंत्योदय श्रेणी के 14,92,438, प्राथमिकता श्रेणी के 52,40,656, एकल निराश्रित श्रेणी के 37,708 और निःशक्त जन श्रेणी के 15,351 राशन कार्ड धारी शामिल है। डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में गरीबों की सबसे बड़ी चिंता का समाधान हो गया है और इसके लिए वो मुख्यमंत्री जी का कोटि-कोटि आभार जता रहे हैं। गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन, यही तो है विष्णु देव का सुशासन। तेरी मेहनत की कुदाल से महक उठी है माटी, ये खुश रंग तेरे पसीने का गजब निखर के आया है। जिस राह चले सपने बुनकर सबके साथ, उस हौसले को सलाम करता ये पैगाम आया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, वो सपने छत्तीसगढ़ की धरती पर साकार हो रहे हैं। गरीबों और मजदूरों के मसीहा जनप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य पाने में देश में सबसे आगे हैं। मनरेगा में छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। विष्णुदेव साय सरकार ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। दरअसल दूरदृष्टि रखने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी द्वारा हमने बनाया है हम ही संवारेंगे का जो बीज बोया गया है, आज वो सफलता का फलदार वृक्ष बन गया है।
सरकार में आते ही सरकार की सभी योजना ने मूर्त रूप लिया और अब इसने छत्तीसगढ़ के पूरे सिस्टम में जान फूंक दी है। राज्य में जहां महिला जन समूहों को भरपूर रोजगार मिल ही रहा है, तो वहीं संकट के दौर के बावजूद मजदूरों के हाथ भी मजबूत किए हैं। मनरेगा के तहत डबरी और तालाब के गहरीकरण के साथ नहर निर्माण का काम किया जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि गांव में भूमिगत पानी का रिचार्ज बना रहेगा और खेती के साथ साथ पीने के पानी की भी दिक्कत नहीं रहेगी। विष्णुदेव सरकार की कोशिशों से मुमकिन हुआ है कि मनरेगा में हम देश भर में पहले स्थान पर आ गए हैं। वक्त मुश्किल भले पर हर कोशिश रंग ला रही है। कामयाबी की दास्तां हर चेहरे पर मुस्कान बन के छा रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन की खुशहाली है छाए, छत्तीसगढ़ में सुशासन की खुशहाली है छाए। आगे है विष्णुदेव साए मुर संगी रे, विकास होते साए साए। सुशासन के खुशहाली है छाए, आगे है विष्णु देव साए मुर संगी रे, विकास होते साए साए। करीब 30
सुतली बनता है पंचायत, सुतली बनता है, बनता है आप वो भी बोलो ऐसा सब पूरा प्रोसेस है ना, कितने की मशीन आती है सर? ये मशीन का हमें भी फोटो फोटो वाले को साइड उधर भी दे रहे हो एक एक कट निकल जाइए ऐसे करो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे बाहर नहीं जाएंगे बहुत सारे तो हम छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार।